हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस वन। जैसे कि आपको पता है कि 31/10/2021 को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का गाजियाबाद आगमन हुआ था। दलित सेना ने एक भव्य स्वागत समारोह रखा था। प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद साधु के द्वारा स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। स्वागत समारोह वक्त पर नहीं होने की वजह से कुछ अंतर्क्रिया भी देखने को मिला था। उसी के विषय पर आज 8/11/2021 को मंत्री जी पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के गाजियाबाद में पहली बार आगमन में जो स्वागत किया गया था उसी की समीक्षा बैठक की गई। जिला अध्यक्ष गाजियाबाद राजकुमार को कार्य में सहयोग न देने तथा अनुशासनहीनता करने के कारण एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। आज की बैठक की अध्यक्षता साधु राम ने की। बैठक में मौजूद रहे श्री सचिदानंद साधु प्रदेश अध्यक्ष, श्री हरिराज सिंह केसरी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्रीमती बसंती देवी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, श्री सूरज सन्यासी प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं महासचिव, श्री पुष्पेंद्र कुमार प्रदेश सचिव, श्री मुन्ना गुप्ता प्रदेश सचिव, श्री मोनू सिंह प्रदेश संगठन मंत्री, श्रीमती अंजू देवी प्रदेश कोषाध्यक्ष, श्रीमती संतोष कुमार प्रदेश प्रधान सचिव महिला प्रकोष्ठ, श्रीमती शीतल भारत प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, श्री अनिल प्रजापति अध्यक्ष मेरठ मंडल, कुमारी पूनम चौटाला जिला अध्यक्ष बिजनौर, श्री शिव कुमार जिला अध्यक्ष सहारनपुर, श्री मोहम्मद अमीर प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष बिजनौर महिला प्रकोष्ठ आदि उपस्थित रहे। अध्यक्ष दलित सेना उत्तर प्रदेश, जो हमारा 31 अक्टूबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के प्रोग्राम हुआ था, केंद्रीय खाद्य उद्योग मंत्री आए थे, उसी का समीक्षा मीटिंग है। सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए हुए हैं, उसी संबंध में आज हमने मीटिंग बुलाए हैं। वही बात चल रही थी। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं हरिराज केसरी, महिला मोर्चा के प्रधान महासचिव संतोष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रदेश महासचिव सूरज सन्यासी जी, हमारे प्रदेश के कोषा अध्यक्ष अंजू सिंह, बिजनौर से आई हुई हमारी जिला अध्यक्ष पूनम चटोला जी, सहारनपुर से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी, जो कि दलित, हाँ शिव कुमार जी दलित सेना से BTC के चुनाव भी जीते हैं, हमारे बैनर के तले शिव कुमार जी हैं, अनिल प्रजापति जी हैं जो हमारे मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे मुजफ्फरनगर से चल के आए हैं पुष्पेंद्र कुमार जी प्रदेश के सचिव हैं, जो कि 31 तारीख के यही संचालन भी कर रहे थे, हमारे दलित सेना के प्रदेश के सचिव हैं, उनके बराबर में बैठे हुए हैं मुन्ना गुप्ता हमारे प्रदेश के, वो भी सचिव हैं, मेरे साथ रहते हैं। भाई हमारे बिजनौर के साथी आए हैं, क्या नाम है जी आपका? अमीर अहमद जी। इसीलिए हमने कुछ हमारे नेतागण पदाधिकारी के कुछ शिकायत दिलवा था 31 तारीख के प्रोग्राम के लेकर के, तो वही बैठ करके हम लोग आपस में अपना बात किए। अब कोई किसी के शिकायत दिलवा नहीं है, सब बढ़िया से हमारा संगठन जो उत्तर प्रदेश में पहले जैसे चलता था वैसे और डबल हम लोग मेहनत करके सब आदमी संगठन को मजबूत करेंगे। आगे हम लोग जो भी लड़ाई लड़ेंगे, दलित, पिछड़ा, शोषित, जो भी दलित है उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छूट दे दिए हैं। पहले से भी हम लोग लड़ते आए हैं, जिस पर अत्याचार होगा, जिसको शोषण किया जाएगा, वो हमारे दलित सेना के लोग आवाज़ उठाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष लोग आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी लोग आए हैं, हम सभी आदमी के कि जहाँ भी किसी भी कमज़ोर आदमी के कोई दबा रहा है, कोई शोषण कर रहा है, तो उसका लड़ाई आप लड़ेंगे,
मजबूती से लड़ेंगे, आप प्रदेश को सूचित करेंगे, हम भी आएंगे लड़ाई में आपके साथ रहेंगे, राष्ट्रीय कार्यालय में भी बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ इस जनपद में इस जिला में हो रहा है, हम चल रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे जो भी दलित सेना के सिपाही है वो आवाज़ उठाएगा, हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे, हर आंदोलन में हम उनके साथ रहेंगे, कदम से कंधे, कंधे से कंधे मिला कर के। तो इसका क्या निकला लास्ट, आपका निष्कर्ष क्या है? जो हमारे कुछ पदाधिकारी लोग थे, कार्यकर्ता थे, कुछ वहाँ पर मान लीजिए गलती मेरे से हुई, वो सारे गलतियाँ हमने अपने ऊपर ले लिए, हम किसी को गलती नहीं ठहरा रहे हैं, कि किस कारण से किसी के अपमान हुआ चाहे जो भी हुआ, वो सब मेरी गलती था, वो गलती अपने हम स्वीकार कर लिए हैं, कार्यकर्ताओं फिर जो जैसे थे, एक वो सिर्फ जिला अध्यक्ष को छोड़ के बाकी जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बने रहेंगे और वो अपने काम करेंगे क्षेत्र में। तो जिला अध्यक्ष आप नया नियुक्त कर रहे हैं या वही रहेंगे? अभी नया नियुक्त हम करेंगे, फिर मीटिंग बुलाएंगे अपने गाजियाबाद के कमेटी के, मीटिंग बुला करके जिला अध्यक्ष बहुत जल्दी नियुक्ति करेंगे। नहीं, आपकी आज की मीटिंग में ये निष्कर्ष नहीं निकला कि जिला अध्यक्ष वही रहेंगे या कोई और बनाएंगे? वो नहीं रहेंगे। हाँ, ये तो क्लियर है ना? ये क्लियर है कि वो ना रहेंगे, कोई और बनेंगे। आप हमारे माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने संगठन के नियम के अनुसार जो दलित सेना के नियम हैं उसके हिसाब से आप काम करिए, हमारा सदस्यता अभियान करिए उत्तर प्रदेश में, कि इतना हमारा सदस्यता और संगठन मजबूत हो जाओ। आज भी हम किसी राजनीतिक दल से कम नहीं है और कल भी हम कम नहीं थे। आज एक बार बताइए, इतने राजनीतिक दल है, आज दलित सेना के माध्यम से 6-6 कॉलोनियाँ बसा हुआ है, तो हम कहाँ कभी सत्ता में रहे हैं? हमारा MP विधायक MLA मेयर कहाँ रहा है? लेकिन हमने आंदोलन से अपनी कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेताओं के बल पर उनकी लड़ाई लड़ लड़ के हमने वो दिलवाए हैं। दलित सेना तो गैर राजनीतिक दल है नहीं? गैर राजनीतिक दल है जरूर, इसका ये नहीं है कि गैर राजनीति दल है तो हम किसी के बात बर्दाश्त कर लेंगे राजनीति दल वाले को। हम किसी राजनीति दल से कम भी नहीं समझते हैं। आ नहीं तो अगर कोई राजनीति दल है तो मैदान में आ जाए, हाथ मिला ले। नहीं, आपका कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होगा या नहीं? कैंडिडेट हमारा खड़ा होगा। तो आप तो अब राजनीति दल हो गए ना फिर? नहीं तो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी है, उससे हमारा दलित सेना के पदाधिकारी लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी? हाँ, हम तो उनका एक समझिए कि दलित सेना एक पार्टी के रीढ़ है, माँ है, जो दलित सेना कहेगी वही पार्टी को मानना पड़ेगा। हमारे जो भी इतने लोग बैठे हैं, अगर कोई कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे तो हम पार्टी के सैंपल देके चुनाव लड़ाएंगे, दलित सेना उसमें अपना मेहनत करेगी और सभी कार्यकर्ता लग जाएंगे। तो बस एक जिला अध्यक्ष के अलावा किसी से कोई और मनमुटाव की बात नहीं है? अभी तो कोई मनमुटाव की बात नहीं है, आगे की बात हम नहीं बताएंगे। मैं हरिराज सिंह केसरी जनपद बिजनौर से बिलोंग करता हूं, संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं, और सर्वप्रथम अपनी बात कहने से पहले अपने पूर्वज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए दलित सेना संगठन के जो संस्थापक थे हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी उनको नमन करते हुए, सेकेंडली हमारे रामचंद्र पासवान जी को नमन करते हुए, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को अभिनंदन और उनका स्वागत करते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद साधु जी और प्रदेश के पदाधिकारी श्री सूरज सिंह सन्यासी जी, और इसके साथ ही हमारे मोनू सिंह संगठन मंत्री प्रदेश के हैं, और साथ में सभी हमारे साथ में और लोग हमारे जो बैठे हुए हैं, कहना चाहिए
शिव कुमार अध्यक्ष सहारनपुर जी, पुष्पेंद्र कुमार प्रदेश सचिव जी और श्रीमती कहें शीतल भारती जी प्रदेश, संतोष भारती जी और हाँ मुन्ना गुप्ता प्रदेश सचिव जी और आपके हमारे प्रदेश वो प्रजापति जी मेरठ से और जुझारू हमारी प्रदेश उसी जनपद बिजनौर की कुमारी पूनम चौटाला जी जो वीरांगना की रूप लिए हुए हैं हमारे संगठन में और वास्तव में सारा संगठन चूँकि जब मैं आया तो इनको वीरांगना के रूप दिया जाते थे, इनको संबोधित करते थे। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज जो बैठक थी 31 तारीख को जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो प्रथम बार यूपी में जनपद गाजियाबाद में आए थे, जिनका दलित सेना संगठन की ओर से उनका स्वागत समारोह रखा गया था। कार्यक्रम सफल हुआ परंतु कुछ कार्यकर्ताओं को असफल सा लगता होता है, स्वाभाविक है, छोटी मोटी नाराजगी होती है। तो उसकी एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, उसमें जो नाराजगियाँ थीं एक दूसरे से बातचीत करने के बाद वो सारी ख़त्म हो गई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जनपद गाजियाबाद के जैसा अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे मालूम हुआ, जो जिला अध्यक्ष मिस्टर राजीव कुमार जी थे उनको एक वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है, जो चलते रहेंगे जब तक दूसरा कोई जुझारू तो कहना चाहिए सही व्यक्ति नहीं मिलता, जनपद का जिलाध्यक्ष नामित शीघ्र ही कर दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने सारे संदेश मेरा भी सुन दीजिएगा, संदेश यह है कि सारे संगठन के जावाज जितने भी उपस्थित हैं तमाम जनपदों से भी आए और प्रदेश के भी, इनसे एक ही अपेक्षा करूंगा कि संगठन को मजबूत करने के लिए अपने मतलब तन मन धन से सहयोग करें और आगे बढ़ाएं, इतना मजबूत कर दें कि एक शासन प्रशासन हमारे संगठन से एक भय करे और जिन दलितों की हम सेवा करना चाहते हैं जिनके ऊपर अत्याचार होता उनकी हमारी मतलब हम मांग लेकर जाएं तो उनकी बात मांग मानी जाए। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।